भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है, जो अनस्किल्ड मिनिमम जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड मिनिमम जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपए होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी, जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी, जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ भी। जो मैं अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए हैं, वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है।